नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, कफ, खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, गले में टॉन्सिल्स हो जाना, इस सब के लिए मैं आज आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ जिसको लेते ही पहली खुराक से ही आपके गले को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। होता यह है कि जैसे ही मौसम बदलता है, हमें खांसी, सर्दी, जुकाम हो जाता है, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें हैवी डोज मेडिसिंस देते हैं और एंटीबायोटिक्स हमें खानी ही पड़ती है। फिर भी कई बार हमारी खांसी बहुत दिनों तक ठीक नहीं होती, और आज मैं आपको उसके लिए जो नुस्खा बताने जा रही हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत बार अपनाया हुआ है, हमने उसको यूज़ करा हुआ है और उसके करने से कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। आप उसको एक बार खुद ही प्रयोग करके ज़रूर देखें, पहली खुराक से ही उसका इफ़ेक्ट आपको पता चल जाएगा। दो तीन खुराक में तो पूरी खांसी, सर्दी, जुकाम ठीक हो जाता है। उसको बनाना भी उतना ही आसान है, जब आप उसको यूज़ करेंगे आप खुद ही कहेंगे कि आंटी जी, आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो इतना इफ़ेक्टिव नुस्खा है। करना ये है कि एक अदरक का पीस लेना है, इसको धोकर साफ करके कद्दूकस कर लेना है और इसका रस निचोड़ लेना है। उस रस को गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है। उसके अंदर आधा चम्मच शुद्ध घी, अगर गाय का है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी आपके घर में शुद्ध घी है आप उसको डाल दें। और उसके अंदर इतना सा गुड़ एक पीस, इसको तोड़कर पीसकर भी उसमें डाल दें और उसको गैस पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हल्की आंच पर गर्म करें। जब वो गुड़ पूरा पिघल जाए, अच्छे से गर्म हो जाए, तो उसके अंदर हमें दो छुहारे, ये हैं दो छुहारे और ये हैं दो बादाम की गिरी, दो बादाम, दो छुहारे, इनको पहले ही पीस कर रख लेना है। जब गुड़ गर्म हो जाए उसके अंदर इनको भी डाल देना है। उसके बाद उसमें ये चार पांच पिसी हुई काली मिर्ची हैं, ये भी हमने उसमें डाल देनी है, और थोड़ी सी हल्दी, इतनी सी ही, हमें 1/4 से भी थोड़ी कम चम्मच ये हल्दी उसमें डाल देनी है। सब चीज़ों के मिश्रण को अच्छे से थोड़ा गर्म कर लेना है। उसके बाद गैस को बंद कर दें और सोने के टाइम इसको लेकर खाकर थोड़ा सा चूस चूस कर खाएं, थोड़ा थोड़ा जीभ के ऊपर रख कर, ताकि हमारे गले को गर्म गर्म थोड़ा सा खाने से पता चले। आप खुद ही इसका रिजल्ट देखेंगे और मुझे बताएंगे कि आंटी जी, ये नुस्खा कितना अफेक्टिव है। इसलिए इसको एक बार यूज़ करके आप ज़रूर देखें। इसको बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी बात लेकर। थैंक यू।